कंप्यूटर से टॉप 15 प्रश्न देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ए तीन बार क्लिक करके, बी दो बार क्लिक करके, सी चार बार क्लिक करके और डी स्क्रॉल बटन द्वारा। तो इसका आंसर है ए तीन बार क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं? इसके ऑप्शन है ए ऑटो कैरेक्टर, बी ऑटो टेक्स्ट, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑटो टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? ए इंसर्ट, बी सिंबल, सी स्पेशल कैरेक्टर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी सिंबल। क्वेश्चन नंबर फोर, वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस ई और कंट्रोल प्लस एम। इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एन। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइल को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस एम। इसका आंसर है कंट्रोल प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस बटन द्वारा हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है प्रमोट, एक्सपेंड, सी कोलैप्स और डी डिमोट। तो इसका आंसर है सी कोलैप्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, हेक्स एनवाइंस या व्यावसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए खालिस्तान एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है? जिसको ऑप्शन ए टेम्पलेट, बी फाइल, सी फॉर्म और डी डेटाबेस। इसका आंसर है ए टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर एट, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? ए हेडर, बी फुटर, सी एंड नोट और डी फुटनोट। इसका आंसर है ऑप्शन डी फुटनोट। क्वेश्चन नंबर नाइन, बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप खाली स्थान की प्रेस कर सकते हैं? इसका ऑप्शन है ए डिलीट, बी बैक स्पेस, सी एंटर और डी स्पेस बार। इसका आंसर है बैक स्पेस, बाईं तरफ से बैक स्पेस से मिटाते। क्वेश्चन नंबर टेन, किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं? इसका ऑप्शन है फुल स्क्रीन, बी जूम, सी हाइड स्क्रीन और शो। इसका आंसर है ए फुल स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 11, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां से इंसर्ट कर सकते हैं? फ्रॉम फाइल, आर टू से, चार्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है फ्रॉम फाइल। क्वेश्चन नंबर 12, टेक्स्ट बॉक्स कमांड द्वारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं? इसका ऑप्शन है ए टेक्स्ट बॉक्स व टेक्स्ट का रंग बदल के, बी टेक्स्ट बॉक्स में शेयरिंग आकार व स्टाइल और सी ए और बी दोनों और डी ग्राफिक्स डाल के। तो इसका आंसर है ऑप्शन 12 का सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन है न्यूज रीडिंग, बी न्यूज लेटर, सी न्यूज और डी न्यूज एडिटर। तो इसका आंसर है न्यूज लेटर। क्वेश्चन नंबर 14, टूल बार की कमांड से क्या लिखा जाता है? ए विभिन्न टूल को स्क्रीन पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, बी नई टूल बार बना व हटा सकते हैं, सी टूल बार का नाम बदल सकते हैं और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, रूलर कमांड का क्या कार्य होता है? रूलर को बार बार दिखाना या छुपाना, बी रूलर बार का नाम बदलना, सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी रूलर बार का नाम बदलना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कंप्यूटर संबंधित टॉप 15 वीडियो की क्वेश्चन ऐसे ही बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।